नमस्ते। बहुत सारे लोगों का हमारे से एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू आई ऑलवेज गो थ्रू अ फेल्ड रिलेशनशिप। इट इज बिकॉज यू बोथ वर कमिंग फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट एंड पेन। आप दोनों एक ही वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे थे, दैट इज पेन एंड हर्ट। आप भी पेन में थे, आपका पार्टनर जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी पेन में थे। तो यहां पर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है कि आप खुद पेन में हो, आप खुद हर्ट पे हो, क्योंकि आप रेडिएट कर रहे हो उस एनर्जी को। तो आप उसी किस्म का पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो खुद पेन और हर्ट में होगा आप ही की तरह। सेकेंड, यू बोथ हैड अ कार्मिक कनेक्शन इन द पास्ट। आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन था इन द पास्ट लाइफ और यू नो इन द पास्ट, और आपको इस लाइफ टाइम में उस कर्मा को क्लियर करना था, सॉल्व करना था, यू नो यू हैड टू क्लियर दैट कर्मा। थर्ड, आप एक दूसरे को यू हैड टू क्रॉस ईच अदर, आइदर यू हैड टू टीच हिम और हर द लेसन और यू हैड टू टीच हर हिम और हर द लेसन, वाइस वर्सा। आइदर यू नो उस आपके पार्टनर को आपको लेसन सिखाना था या उनको आपने उनको लेसन सिखाना था। सो थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए कि आपका पार्टनर आपको ऐसा कौन सा लेसन है जो समझाना चाह रहा है जो आप एक्चुअली में लर्न नहीं कर पा रहे हो किसी और के थ्रू। इट कैन बी मे बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप इन योर हैंड। मे बी आपने योर रिलेशनशिप की डोर किसी और के हाथ में रखी हुई है। मे बी यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मे बी आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो अपने पार्टनर पे। कोई ना कोई एक ऐसा लेसन जरूर होगा जो आपका पार्टनर आपको समझाना चाह रहा था, और वो हर्ट और पेन के थ्रू ही आपको समझा रहा है। क्योंकि जब तक आप हर्ट और पेन में नहीं जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। थिंक अबाउट इट एंड टेल अस व्हाट आर योर स्पिरिचुअल लेसन्स और व्हाट आर यू गोइंग थ्रू।